ये पेड़ लगाओ रिजवान भाई, पॉसिबल पेड़ फैल होगा, पॉसिबल पेड़ फैल होगा। इसके जो रिजल्ट निकलेगा इसमें से कौन सा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं आप? पेल फैलो चाह रहे हैं हम, प्रोड्यूस करवाना पेल फैलो। इससे चलते हैं जी, नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट कौन से वाले हैं ये लगे हुए हैं? ये वाले बर्ड जो हैं पारबिलू है इसमें, और ग्रीन बर्ड है, स्प्लिट बिलू, स्प्लिट ऑफ लाइन, और ये वाला कौन सा है? ये भी मिट्टी ऑफ लाइन की वर्किंग के लिए बर्ड है। सही है, नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला कौन सा लगा हुआ है इधर पेयर? ये पारबिलू ऑफ लाइन की फीमेल है, ग्रीन स्प्लिट बिलू, स्प्लिट ऑफ लाइन का। नाज़रीन, मैं एनिमल से आपका मेज़बान रिजवान अली राणा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे साथ मिर्ज़ा वैस। एक मत पहले पिछले सीज़न में इनकी मैंने वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह से पहले भी बहुत अच्छा सेटअप था, इन्होंने छत पे लगाया हुआ था, अब इन्होंने नीचे अपने एक कमरे में इनको शिफ्ट कर लिया है। माशाल्लाह से पहले से ज़्यादा बर्ड लगाए हैं और कमर्शियल पेयरिंग की हुई है। आज मिर्ज़ा वैस साहब से पूछेंगे कि पिछले साल की नस्बत इस साल इन्होंने कौन से बर्ड की एडिशन की है और किस बर्ड पे ज़्यादा वर्किंग करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं वैस भाई? रिजवान भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप मैं ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि आपको पता है हमने पिछले साल आपकी वीडियो बनाई थी ब्रीडिंग सीज़न के गुजर जाने के बाद, मेरे ख्याल से बिल्कुल, तो उस वक्त आपने जोन से बर्ड लगाए थे और इस वक्त जो आपने बर्ड लगाए दोनों में डिफरेंस क्या है? इस साल कौन से बर्ड पे आपने ज़्यादा वर्किंग करनी है? इस सीज़न में ज़्यादा मेरा जो फोकस है ना ऑफलाइन पे है, मेरा लव है ऑफलाइन, ऑफलाइन के ज़्यादा बर्ड जो है ना लगाए हुए हैं। ऑफलाइन या ऑफलाइन, बंदा ऑफलाइन भी हो जाता है देखो देखो। ऑफलाइन ऑफलाइन जी, ठीक हो गया, उस पर ऑफलाइन पे करने जा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। कितने पेड़ लगाए हुए हैं इस वक्त आपने? इस वक्त इस बर्ड रूम में जो है ना 70 पेड़ आपने लगाए हुए हैं माशाल्लाह से। मिर्ज़ा वैस साहब दिखने में
ये पेयर लगा हुआ है रिजवान भाई, पॉसिबल पेल फैलो का, पॉसिबल पेल फैलो का। इसके जो रिजल्ट निकलेगा इसमें से कौन सा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं आप? पेल फैलो चाह रहे हैं हम, प्रोड्यूस करवाना पेल फैलो इससे लेना चाहते हैं। मिर्जा वैस भाई मेरे ना लगता थक गए ने थोड़ा जहा, तो मैंने लगता चुप चुप हो गए ने, इन्होंने बूस्टअप करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला नेक्स्ट वाला पेयर कौन सा है? ये वाला भी पॉसिबल पेल फैलो बर्ड है, पॉसिबल। इसके कितने आपने पेयर लगाए हुए हैं? पॉसिबल पेयर हैं चार, छह पेड़ लगे। सही हो गया। मैडम कैमरामैन जरा दिखा दे कौन कौन सी क्वालिटी चेक करें, छह पेड़ लगाए हुए हैं इन्होंने पॉसिबल पेल फैलो के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा आपने पेड़ लगाया हुआ है? ये सिंगल बर्ड ही अभी छोड़ा, उसके साथ फीमेल छोड़ ली है, ये मेल है। सही हो गया, इसका अभी रिश्ता आना है फिर चलेगा ये काम। तो ये नेक्स्ट नीचे वाला कौन सा है? ये पार्विलो स्प्लिट पेल फैलो इनटू वॉलेट पेल फैलो। इसमें से क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं आप? इसमें से पेल फैलो प्रोड्यूस होगा। अच्छा पेल फैलो के लिए आप ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पेल फैलो की इस वक्त जो मार्केट वैल्यू कैसी जा रही है? बहुत ज़बरदस्त जा रही है भाई। ये नेक्स्ट वाला, ये वाला कौन सा पेयर है? ये पेयर जो है ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है, उसके साथ डीडी पार ब्लू जूविंग ऑफ लाइन की मेल है। सही हो गया माशाल्लाह। इसमें से क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप? इसमें ये ऑफलाइन की वर्किंग का पेयर है, ऑफलाइन की वर्किंग का पेल फैलो और ऑफलाइन के वर्किंग में ज़्यादा आप जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये वाला कौन सा पेयर लगा हुआ है? ये वाला मिस्टी की वर्किंग के लिए है रिजवान भाई, ये ब्लू ऑफलाइन सिंगल फैक्टर मिस्टी का मेल है और पार ब्लू मिस्टी की फीमेल है। सही हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है ये पेयर? ये ब्लू ऑफ लाइन मिस्ट्री की फीमेल है और ग्रीन मिस्ट्री स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है। सही हो गया। मेरा कैमरामैन दिखाता चले साथ साथ स्टेप बाई स्टेप कौन कौन से पेयर लगे हैं। और ये वाला कौन सा है? ये भी मिस्ट्री ऑफ लाइन की वर्किंग के लिए बर्ड है। सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला कौन सा लगा हुआ है इधर पेयर? ये पार ब्लू ऑफ लाइन की फीमेल है, ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है। इसमें से क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं? इसमें से पार ब्लू ऑफ लाइन ग्रीन ऑफ लाइन ब्लू ऑफ लाइन। सही हो गया। नीचे चलते हैं जी, नीचे वाला कौन सा है? ये पार ब्लू ऑफ लाइन की फीमेल है, ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है। माशाल्लाह से हम सारे आपको पेयर नहीं दिखा सकते, 70 पेयर है। ये दो दो मिनट भी लगाएं तो 70 मिनट में तकरीबन कोई सात एक घंटे से ऊपर चला जाएगा। ये वाला बताइएगा, स्लेटी ऑफ लाइन की वर्किंग के लिए पेयर? स्लेटी ऑफ लाइन के लिए, ठीक है। इस वक्त आपके पास स्लेटी ऑफ लाइन में कोई लगा हुआ है बर्ड? ये पार ब्लू ऑफ लाइन स्लेटी का बर्ड है। सही है, ठीक है। इसके साथ ब्लू फिचरी हो रही है। इसका क्या प्रोड्यूस होगा इसमें? इसमें से स्लेटी बर्ड भी आएंगे, सिंपल भी आएंगे। सही है। ये आपने पेयर नहीं किया जो मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, ये पेयरिंग? ये अभी पेयरिंग करनी है इन बर्ड की, पेयरिंग करनी है अभी। जी ठीक हो गया। इसमें कौन से बर्ड हैं? ये स्लेटी के लगे हुए हैं? नहीं, ये डीडी ब्लू पार ब्लू के बर्ड हैं, वॉयलेट में बर्ड है, फिचरी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट कौन से वाले हैं ये लगे हुए हैं? ये वाले बर्ड जो हैं पार ब्लू है इसमें और ग्रीन बर्ड है, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन और ये ब्लू ऑफ लाइन की फीमेल है। सही हो गया। इनके सारों के आपने अभी पेयरिंग करनी है? पेयरिंग करनी है, फिर बर्ड जो है वो एक्स्ट्रा जो निकल जाने हैं वो साइड पे कर देने हैं, वो फोर सेल होंगे। फोर सेल होंगे, सही है। सीज़न में, ब्रीडिंग सीजन में बर्ड सेल हो जाता है इजीली? जी हो जाता है इजीली बर्ड, इन दिनों में ज़्यादा सेल होता है। जब सीजन स्टार्ट हो जाते हैं फिर ज़रा थोड़ा सा कम हो जाता है। जी बिल्कुल। फिर वो चिक्स वगैरह की सेल के लिए हो जाता है। जी। ये वाले कौन से बर्ड लगे हुए? ये ग्रीन जूविंग स्प्लिट ब्लू फीमेल है, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू में बर्ड है कुछ, मेल जो है वो पॉसिबल ऑफ लाइन है। ये फॉर सेल है आपके? जी फॉर सेल है बर्ड। ठीक हो। नाज़रीन हमने आपको मिर्जा अवैस साहब के ये बर्ड दिखाए जो पेयरिंग की हो या कुछ की पेयरिंग रहती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ये बॉक्स लगा लेंगे पेयरिंग सारी इनको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम। मिर्जा अवैस भाई हमें सबसे पहले ये बताइएगा, ये आपने केजी नए ले लिए हैं, ठीक है, आप पेयरिंग करने जा रहे हैं, किस वक्त आप कितना अच्छा रहता है कि आप इनकी बॉक्सेस लगा देंगे? ये इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होने जा रहा है? सितंबर के लास्ट में जाके बॉक्स लगा दूंगा इनको। सितंबर के लास्ट पे जा रहे हैं। और मिर्जा वैस भाई इस दफ़ा आप इस सीज़न में कितने क्लच लेने जा रहे हैं? इस सीज़न में दो आ जाएँ, तीन आ जाएँ इनर। जी अगर ज़्यादा लेने चाहें तो? ज़्यादा बर्ड के साथ ज्यादती है। ये मैंने दसो वैसे वैस भाई अपनी गल कि ऐ सीजन दे विच करोला कभी ले लोगे? तीन क्लच की जगह छः क्लच कर लेना उसके, तो वो तीन जो क्लच होंगे वो ज़्यादा बर्ड जो है ना वो सेल करने में फिर मसला होता है, उनको रखने में मसला होता है, स्पेस होनी चाहिए ज़्यादा, फिर ये चीज़ है।
इस सीजन, पिछले सीजन में मेरे पास माशाल्लाह तकरीबन 225 बच्चा प्रोड्यूस हुआ है माशाल्लाह। तो वो यकीन करें मेरे पास स्पेस नहीं थी उनको रखने के लिए, रखने की ठीक। तो फिर वो गर्मियों में बर्ड एक्सपायर भी बहुत ज़्यादा हुए हैं कि उनको सही तरह से इंशाल्लाह से इस दफ़ा इस सीज़न में हमने आपके सारे के सारे ही चिक्स को सेल करवा देने। हाँ तो आज टिकट से बुक हमारी वीडियो देखने वाले शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। आपसे बताता चलूँ कि मिर्ज़ा वैद साहब जो कि एक हौजी में काम करते थे, हौजी से काम पिछले साल जब मैं आया था ये हौजी में काम करते थे, इनसे टाइम लेकर मैंने विजिट किया था इनके अभी को। अब मैं बताता चलूँ आपको, ये इन्होंने बिज़नेस इतना एक्सपेंड कर लिया है कि इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के टोटल ही इस बिज़नेस को टाइम देना शुरू कर दिया है। मतलब कि इस बिज़नेस में इतना है कि आप किसी की नौकरी करने के बजाय हम अपना जो घर का सिस्टम है, जो सारे अखराज आते हैं, हम इस बिज़नेस से स्टार्ट कर सकते हैं। मिर्ज़ा वैद भाई थोड़ा सा हमें ये बता दीजिएगा, पहले आप जॉब करते थे और अब आपने टोटली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, अब क्या फील कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ कि मेरा अपना काम है, ना कोई मसला है ना आने जाने का। मैं जाता था, काफ़ी दूर था काम फैक्ट्री, तो आने जाने में भी टाइम लगता था। अब घर पे काम है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बेहतर है, बेहतर उस जॉब से बेहतर है मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह पाक आपके काम में बरकत दें। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं पहले आप स्टार्ट करें इस बिज़नेस को, बिज़नेस में बहुत अच्छा ये बिज़नेस है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है। आप बजाय किसी की नौकरी के आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो घरों में बैठे हुए हैं लेडीज़ हैं जो घर में, जो बाहर नौकरियां करती हैं, वो भी अगर इस बिज़नेस में आना चाहती हैं तो आ सकती हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकती हैं। मिर्ज़ा वैद भाई लास्ट में हमारे कोई नाज़रीन को आप पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसमें ये है कि लालच ना करें, अच्छी नीयत के साथ काम करें, अल्लाह पाक बहुत बरकत देने वाला है। मैंने बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया था, आज देखे मैंने उन्हीं पैसों से आगे जो है ना बर्ड परचेज किए, आगे जो है ना काम किया, अल्लाह पाक ने बहुत बरकत अदा की है। तो ये चीज़ है कि लालच ना करें, थोड़े से स्टार्ट करें और देखिएगा, और अच्छी नीयत के साथ काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे। मिर्ज़ा भाई का बताने, वैद भाई का बताने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप लाखों रुपया लगाएं और बिज़नेस स्टार्ट करें। आप छोटे से काम 10-20-25 हज़ार वाला पेड़ लेके भी काम स्टार्ट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से आपका ये सेटअप बढ़ता जाएगा। अवैस भाई भी ऐसे ही है, इन्होंने भी स्टार्ट में थोड़े से पेड़ से स्टार्ट काम किया और आज ये लाखों के बर्ड लगा रहे हैं और बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं और लोगों को ये सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसी कोई वीडियो है तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान रिजवान अली राना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।